शहर में डेंगू का बढ़ता प्रकोप देखते हुए सोई पालिका प्रशासन को जगाने के लिए मनसे के जिला अध्यक्ष अतुल वानिले के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। शहर में पिछले एक माह से डेंगू का संसर्ग बड़े प्रमाण में बढ़ रहा है। सोए हुए नगर पालिका प्रशासन का शहर पर दुर्लक्ष हो रहा है। इसी बीच शहर में सभी भाग में अमृत योजना के तहत भूमिगत गटार योजना शुरू हुई है, जिस वजह से गटार की चेम्बर में पानी जमा होने रहता है। बरसात की वजह से यह पानी ओवरफ्लो होने से पानी जाने के लिए जगह ही नहीं बचती है। उस पानी का रूपांतरण गंदे पानी में होने से उसमें डेंगू के मच्छर निर्माण होते हैं। इस गटार योजना की पाइपलाइन से सभी और गंदगी का साम्राज्य हो रहा है। इस वजह से नागरिकों में डेंगू फैल रहा है। पिछले एक माह से शहर में डेंगू मलेरिया का प्रकोप शुरू है। हर वार्ड के घरों घरों में डेंगू के रुग्ण दिख रहे हैं। माह भर से शहर को डेंगू ने प्रभावित करके दो मौत हुई है। इन दो युवकों की मृत्यु ने सामान्य नागरिकों में दहशत बढ़ गई है। शहर की हर निजी व सरकारी दवाखाने डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। इस वक्त मनसे जिला अध्यक्ष अतुल वानिले, उप जिला अध्यक्ष अमोल बोरकर, जिला सचिव सुनील भूते, जगदीश वानिले, शहराध्यक्ष राजू सिन्हा, मारुति महाकाकर, महिला सेना जिला अध्यक्ष नीता गजबे आदि पदाधिकारी व मनसे सैनिक उपस्थित थे। आज आम्ही हिंगणघाट नगर पालिके मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून आम्ही निवेदन देण्यात आलेले आहे। आज हिंगणघाट शहरामध्ये जो डेंगू हा आजार खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरला गेलेला आहे आणि याचा जबाबदार आम्ही हिंगणघाटची नगर परिषद समजतो। कारण की नगर परिषदनं ज्या पद्धतीने काही कामं करायला पाहिजे, जसं अमृत योजनेतून जे काही नाल्या बनलेले आहेत तिथं पूर्ण सांडपाणी जमा राहते आणि वरचं चेंबर लावलेले आहे आणि त्याला छिद्र आहे, तिथून झुंडच्या झुंड मच्छर बाहेर निघत आहेत आणि लोकांना डेंगू आजार हा पसरवत आहे। दुसरा विषय असा आहे की हिंगणघाटमध्ये इतका मोठ्या प्रमाणात डेंगू आजार पसरला पण नगर परिषद प्रशासनाकडून कुठंही फवारणी झालेली नाही। नगर परिषद प्रशासनाकडून कुठेही धुवा उडवण्याची मशीनसुद्धा फिरल्या गेलेली नाही आहे। म्हणून आज हिंगणघाटची नगर परिषद प्रशासन हा जनतेच्या जीवाशी खेळत आहे, हे जनतेच्या जीवाशी खेळत आहे। आज जनतेनं बऱ्याचशा लोकांनी आमच्याकडं कंप्लेंटा केलेल्या आहे। म्हणून आम्ही आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून आम्ही निवेदन देत आहोत की नगर झोपलेल्या नगर परिषदेने नगर परिषद प्रशासनानी जागा व्हा आणि जनतेची तुम्ही सेवा करा आणि हा डेंगू आजार कसा कंट्रोल करण्यात येईल, कसा आटोक्यात आणता येईल, त्याच्यासाठी नगर परिषदनं प्रयत्न करावा। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।